So now welcome back to Time Out with Ehsan Khan और अब सेगमेंट है झूठ का झटका। वैसे ये हम ब्रेक में जब ट्राई करते हैं तो एमन को बहुत डर लग रहा था, लेकिन मुनीब ने बहुत कन्विंस किया कि झटका बिल्कुल नहीं लग रहा, लेकिन जब मुनीब ने लगवाया झटका खुद को तो बहुत जोर की लगा। वो पहले पहले होता है, उसके बाद अब तो उसके बाद यूज्ड टू हो जाते हैं आप, फिर इजी होता है। बहुत हल्का सा कुछ नहीं है, जब जरूरत हो तो लगा दो बिना वजह नहीं। एमन वो ट्रायल एंड टेस्ट कर रही थी। अच्छा, मुनीब को जवाब देने एमन के लिए, एमन को जवाब देने मुनीब के लिए, यानी मुनीब क्या सोचते हैं एमन आपको ये बताना है, और एमन क्या सोचती है मुनीब को ये बताना। ठीक है, रेडी है? सही है एमन? एज मुनीब यू हैव टू आंसर एज मुनीब, राइट? कि ये क्या सोचेगा। शादी में मेरे मेहमान एमन के मेहमानों से ज्यादा थे। हम दोनों के ज्यादा थे, आई थिंक। तुम मुनीब हो और तुम जवाब दो, किसके ज्यादा थे? मुनीब के। मुनीब के ज्यादा थे एक्चुअली? सच बोला, झटका नहीं लग रहा। वलीमे में खानदान ही बहुत छोटा सा है, मुनीब मेरे वलीमे में बहुत ज्यादा लोग। ऐसे हुआ कि खुद ही लोग आ गए बहुत सारे बगैर बुलाए? अरे ये तो बहुत ज्यादा गेट क्रैशर। एक फैमिली गेट पे आई, गेट पे आके उसने बोला कि हम लड़की वालों की तरफ से। मैंने बाउंसर्स खड़े किए हुए थे वहां पे, लिस्ट में नाम नहीं था उनका, तो बोलते हम लड़की वालों की तरफ से। एमन का भाई आया, बोलते हमारी तरफ से तो नहीं है, बोलते नहीं नहीं हम लड़के वालों की तरफ से हैं। मेरा भाई आया, बोला आप हमारी तरफ से भी नहीं है। मेरे कजिन्स वगैरह को फैमिली, 8 लोगों की फैमिली तैयार होके आई हुई थी शादी में। यार कमाल हो गया यार, हमने उनको मेरे कजिन्स को पैसे दे रहे थे कि यार आप कुछ पैसे ले लें, अंदर जाने दें, अंदर जाने दें। इसके कजिन को रिश्वत दे रहे वहां पे यार आप 2-4। मैंने कहा तुमने लिए तो नहीं किसी से, अंदर आ गया। क्या बात है। ठीक है मुनीब, एज एमन, आपके अलावा कौन सी एक्ट्रेस मुनीब को पसंद थी शादी से पहले? ये तो बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल है। मैं बताऊं ना? चलो बता दो, एक मिनट बोलते हैं, सच बोल रहे हैं। मैं एमन हूं और मुझे बताना है ये जवाब। अच्छा, कि मुनीब को कौन सी एक्ट्रेस पसंद थी? बोलेगा कोई थी नहीं, ओनली एमन खान, कोई भी नहीं थे। पसंद भी थी तो बताऊंगा थोड़ी। जोर जोर से झटके लगाओ, इसको झूठ बोल रहा है। नहीं, सच बोल रहा। सच बोल रहा था, सच पे झटका। सॉरी। अच्छा कोई और पसंद नहीं थी? नहीं, पसंद भी होगी तो आपको क्या लगता है? बता दो, अभी आगे काम भी करना है भाई। आगे काम भी करना है। और यार तो क्या मतलब काम भी करना है, कोई पसंद नहीं हो सकती यार? नहीं नहीं नहीं, कोई पसंद नहीं। आई डोंट थिंक सो। मासूम बेगम, उसको पता ही नहीं है, बता दे आज यार। नहीं नहीं, कोई शादी से पहले की बात कर रहे हैं। पहले भी पसंद थी कोई? कोई भी नहीं। नहीं थी ना, मैं कह रही हूँ नहीं थी। शरीफ आदमी हूँ यार। बोला नहीं थी, कोई हो ही नहीं सकती। ठीक है एवन, एवन तुमने तो इसको पकड़ा भी नहीं, मैं कैसे करंट लगाऊंगा? क्वेश्चन पूछे, मुझे वैसे डर लग रहा है कि मैंने जैसे तुम्हारे साथ किया। नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा। मैं एमन से ज्यादा कमरा साफ रखता हूँ। नहीं नहीं, सही कह रही है। मेरा काम है गंद फैलाना और मुझे उसमें बहुत मजा आता है। तो एमन जब अपने घर रहने के लिए जाती है, मैं इतना एंजॉय करता हूँ, ऐसे कम्फर्ट वहाँ होता है, कपड़े वहाँ होते हैं, ऐसा मुझे ना हर चीज यूं सेट बिल्कुल यूं चाहिए, चीज भी आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। फिर ये तो बड़ा प्रॉब्लम करता होगा आपको, पता है क्रिएटिव लोग ऐसे। कभी से ये नहीं बोला कि यार क्या है तुम उठा दो यार। लेकिन एक टाइम आता है, मैं नहीं कहता अच्छा ओके ओके ये मैंने किया, अच्छा जी मैं लेके जा रहा हूँ। वरना जब मैं घर पे अकेला होता हूँ, ये अपनी मम्मा के यहाँ गई होती तो मैं आराम से, मैं जब वापस आती हूँ ना, मैं कहती हूँ यार मुझे पूरा दोबारा से सेट करना पड़ेगा, कबर्ड से लेके पर्स से लेके वॉचेस तक, यूँ बिखरी भी होती है ऐसे, मैंने कभी नहीं आना वापस। आई एंजॉय दैट। वो वेट करो तो दोबारा आएगी तो खुद साफ कर लेगी सारा। ठीक है जी मुनीब, खर्राटे कौन लेता है ज्यादा? कौन? कभी कभी ज्यादा थकावट हुई हो तो एमन। झूठ? जोर से लगा, पकड़ तो सही उसको यार। मैं अभी ऑडियो नोट सुना दूं वो जो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। लड़कियों को बोला तुम खराटे नहीं लेते, सुना दो यार अभी, सुना दे पुराने वाले फोन में था। लेकिन वैसे ये ज्यादा खराटे लेते नहीं, कोई भी नहीं लेता। वो होता है की मे बी असल में यूजुअली खराटों की वजह होती है किसी को स्मोकिंग करता हो या कुछ ना, तो उनको बहुत ज्यादा होते हैं यूजुअली। अगर ब्लॉकेज हो या थकान बहुत ज्यादा हो, थकान बहुत ज्यादा हो तो फिर आपको नहीं पता चलता, मुंह भी खुला होता है, खराटे भी चढ़ रही होती है। ठीक है एमन, एमन मुझसे ज्यादा रोमांटिक है?
जवाब तुमसे पूछा है? तुमसे पूछा है? मुझसे पूछा है? नहीं नहीं, बिल्कुल रोमांटिक नहीं है यार, वो तो बहुत रोमांटिक आदमी है। तो ये इसीलिए ड्रामों में मुझे देखा है ना, रोमांस। हाँ, हर वक्त यूं लड़कियों के आगे पीछे। हाँ, असल में कौन सी लड़कियों के आगे पीछे तब मैं, कौन सी ड्रामे में भाई, ड्रामे में बेगम साथ बड़ी टेंशन में आ गए, ड्रामे की बात कर रहा हूँ। रोमांटिक एक्सप्रेसिव सब चीजें मुनीम। And you are not. No, I'm not. अच्छा मुनीप, ये होता तो नहीं कि यार तुम भी कभी जरा रोमांस एक्सप्रेस? नहीं नहीं नहीं, you like it this way. मुझे पता है कि एक चीज हो नहीं सकती तो फिर आप उस पे मेहनत क्यों करें? शुरू से मेहनत की थी इस बात पे या नहीं? नहीं नहीं, शुरू से पता था मुझे। ओके मुनीप, मुनीप मुझसे ज्यादा झूठ बोलता है, कौन दोनों में झूठ बोलता है मुनीप ज्यादा? झूठ नहीं बोलते हम दोनों, झूठ नहीं बोलते। कितनी अच्छी आदत, जो बात सच है बता देते हैं, बोलना भी नहीं चाहिए। एमन, मैं एमन से ज्यादा गुस्सा करता हूँ। नहीं, मुझे बहुत गुस्सा आता है। यार बड़ा सच बोल दिया एमन ने। बहुत बहुत गुस्सा आता है एमन को। मुनीम कहते हैं एमन तुम्हें इतना गुस्सा आता है कि मुझे तुमसे डर लगने शुरू हो जाता है। उफ, बहुत ज्यादा शॉर्ट टेंपर है भाई, बहुत ज्यादा। अच्छा रियली? अच्छा, हम है ही ऐसे, मिनाल भी ऐसी है, मैं भी ऐसी हूं, कहते हैं तुम सभी एक जैसे। नहीं, अभी ज्यादा गुस्सा आता है अभी, विद द पास्ट ऑफ टाइम बढ़ गया है या पहले नहीं आता था इसको मुनीब? नहीं नहीं, हमें पहले तो शादी नहीं हुई थी ना, तो जब एक दो घंटे मिले स्वीट स्वीट हो गया, अब तो रहना ही साथ है तो पता है गुस्सा तो आता है। बहुत एक्टिव, खतरनाक गुस्सा है। ऐसा क्या करती है बता, कहते ओ भाई? नहीं नहीं, मतलब गुस्सा एमन का बड़ा खतरनाक है, बहुत एक सेकंड में आ जाता है और एक मिनट में मैं सही भी हो जाऊंगी। तो चिल्ला के बोल लेती है, ऊंचा जरा आवाज ऊंची देती है। हाँ, ये तो है, ये प्रॉब्लम है, शाउट। वहशी पागल नहीं हो जाते गुस्से में? कभी कभी भाई, शरीफ मेरा भाई बेचारा। मैं हर शो से जब भी जाता हूँ, मुझे नहीं। लोग हर बंदा मुझे ऐसे भेजता है, अरे भाई आप, अल्लाह आपको सबर दे। अच्छा, ये बिल्कुल गुस्सा नहीं करता, इजी लाइक मुनीम को गुस्सा कभी कभार जैसे, आई थिंक एक दो दफा आया होगा शादी के बाद। हर एक का अपना अपना गुस्सा का तरीका है, कोई होते हैं जो बिल्कुल खफा होके उधर चले जाते हैं अलग से, कोई होते हैं जो थोड़ा चिल्ला लेते हैं, कोई कुछ भी नहीं कर सकता थोड़ी देर में। मेरा जो गुस्सा होता है ना, उसके पीछे कोई रीजन होता है गुस्से का, और गुस्सा नहीं होता वो मैं फिर समझा रहा होता हूँ जैसे। मैं बता रही हूँ ना, मुनीम मेरी काउंसलिंग करता है हर चीज में। मैं गुस्सा कर दी तो मुझे भी याद दिलाता है कि ये बोला था ना, ये नहीं बोलना था, इस तरह इसको ऐसे बोलना था। आप किसी से कोई भी बात, आप सख्त से सख्त, तल्ख से तल्ख बात भी अगर आप लहजे में नरमी रखेंगे वो बात आपको बुरी नहीं लगेगी, और कोई बहुत आराम से बात भी आप गुस्से से बोलेंगे तो वो आपको बुरी लगेगी। लग गया, ये बुराई नहीं है, ये एक हकीकत है, ये मैं लोगों को बता रहा हूँ। हाँ, ये सब ये तमाम व्यूअर्स भी देख रहे हैं। प्लीज प्लीज, वो तुम्हारी बुराई नहीं कर रहा, वो लोग नहीं, लोगों को समझा रहा हूँ। प्लीज, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी लड़ाई होने वाली है तो ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं होने वाला, मैं चाहता ही नहीं क्यों हो लड़ाई यार, इतना प्यारा हमारा कपल है यार, कभी भी नहीं होगी लड़ाई। ठीक है जी, मुनीप, मुनीप का सेंस ऑफ ह्यूमर मुझसे ज्यादा अच्छा है। नहीं यार, मुनीप का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, वाकई अच्छा है। मुनीप के साथ रह रहे कि मेरा थोड़ा बेहतर हो गया, मैं ये कह सकती हूँ। मेरे बहुत से ज्यादा, जो आधे से ज्यादा दोस्त है ना, वो मुझसे नाराज होके रूठ के चले जाते हैं, क्योंकि जब मैं बैठता हूँ किसी के साथ तो जब तक मतलब कोई रोना जाए ना सामने वाला, ये मेरा प्रॉब्लम है, ये मेरा। सो आई हैवंट सीन दिस साइड, मेरे साथ बड़ा रिस्पेक्ट। आपके साथ नहीं, सबके साथ नहीं, उधर सीनियर जूनियर वाला मुझे लगता है थोड़ी। आपका तो रिस्पेक्ट है, ये है ना, ही इज ऑलवेज वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल। इस बात से आपके साथ बहुत प्यार करता हूं, मुझे बहुत अच्छा। प्रोजेक्ट करेंगे आपके साथ तो फिर इंशाल्लाह आपको, इसलिए मैं नहीं करूंगा जैसे प्रोजेक्ट फिर खुल के आएंगे आपके साथ भी। ठीक है जी, एमन, मुझे लोगों की ज्यादा अच्छी पहचान है। Yes. मुनीप को साथ है? मुनीप को है, मुझे नहीं है। होता है ना कोई कोई यार, मेरा जो इमेज है ना मुनीप का, किसी लड़की होता जा रहा है, किसी का रिश्ता आया ना किसी लड़की के लिए, आप मुझे लड़का दिखाओ, मैं आपको दो घंटे में बता दूंगा कि ये I'll tell you one thing, ऐसे नहीं होता, ये कि he is mature now, age में भी मुनीप is like, he's older than me and he have seen the world other than really कितना mature है यार, इतना तो अक्सर मेरे बहुत से दोस्त रिश्तेदार जो हैं वो किसी कोई रिश्ता आता है ना, बोलते हैं यार ये बॉय है जरा इससे, इसका बताओ कैसा है ये,
तो मैं उससे मुलाकात या उसको थोड़ा सा स्टडी करूं, मैं आपको बता दूंगा ये इसका ये गेम है। अच्छी बात है, इंसान को एक्सरे एक्सरे विजन रखते हैं भाई, एक्सरे विजन। हाँ जब तो मिनाल को बहुत आसानी हो जाएगी फिर जब रिश्ता होगा तो। हाँ जरूर जरूर। ठीक है, मुझे पसंद ही नहीं कि मुनीब मेरे अलावा किसी और लड़की से रोमांटिक बात करे। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कर ले खैर है, कोई बात नहीं, खैर है बात की हद तक खैर है। मैं बात ये कि पहले मैं पास करूं कि हां जी इससे बात करो। हाँ कर लो। अभी तुम इस बात पे कायम रहना, अभी तक ऐसा हुआ है कभी? इस बात पे तुम कायम रहना, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बात आज रिकॉर्ड होगी, एबल कायम रहना इस बात पे, ऐसी कोई बात नहीं है मुनीम। कल को इन केस कभी ये बात कर ले तो फिर हम ये क्लिप दिखाएंगे कि खुद ही तो कहा था यार। ये ना मुनीम मुझे खुद दिखा रहे हो, ये देखो तुमने कहा था, तुमने कहा था मैं कर रहा हूं, कर लो। ठीक है जी, एमन, मैं एमन से ज्यादा फजूल खर्च हूँ। नहीं हम जब जा रहे थे तो हमारा लगेज था प्रॉब्ली 50-55 kg हम दोनों का, ठीक है, और जब हम वापस आ रहे थे तो हमारा वेट था 164 kg। 110 केजी की जो शॉपिंग जमा की है, 110 केजी, और उसमें ज्यादातर क्या था एमन? सोचे, बहुत सारी चीजें थी, कपड़े, अपना मेकअप, परफ्यूम्स, मतलब मुझे ना शौक है, एक चीज होती है ना आपको अच्छी परफ्यूम्स का शौक होता है तो परफ्यूम्स ले लिए। ऑनलाइन शॉपिंग का आजकल मैं अपना, अब जब भी कहीं जाते हैं ना तो हमारा घूमने का बजट अलग होता है और शॉपिंग का अलग होता है, अलग ही कर दिया होता है। मैंने कहा नहीं यार इसको अलग रखो, जो है ना वो डॉलर्स हम अलग कर देते हैं, ये शॉपिंग के लिए हमने इसको वक्फ कर दिए पैसे। अब ये सही है यार, सही है, शॉपिंग इज इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुनीब डजंट शॉप, मुनीब यस ऑफ कोर्स, फॉर हिज क्लोथ्स एंड हिज वार्डरोब, प्रोजेक्ट बेस्ड। इस फील्ड में वैसे भी कपड़े ज्यादा चाहिए होते हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ चल रहा होता है। ठीक है, ओके जी, मुनीब, ज़ारा नूर अब्बास या सबूर, ये किसको चूज करेगी दोनों में से? मतलब किस चीज के लिए चूज करना है, क्या सेलेक्ट किस चीज़? फ्रेंड्स, कौन सबूर से ज़्यादा दोस्ती है? सबूर से मेरी बहुत दोस्ती है, ज़ारा भी बहुत, ज़ारा भी बहुत, ज़ारा भी बहुत अच्छी दोस्त है, ज़ारा से ऐसे इतना इंटरेक्शन नहीं है, सबूर से है। ठीक है, बट दे बोथ आर वेरी गुड एक्टर्स। हां ठीक है, मैं एमन से ज्यादा बेहतर एक्टर हूँ, कौन जवाब देगा इसके बारे में? मैं नहीं। पकड़ो उसको, वो झटका लगाएगा, दोनों पकड़ो, लगाओ के झटका, नहीं लगाएगा, नहीं लगा रहा, उसने यकीन कर लिया, पकड़ो, कह दो कि मैं अच्छी एक्ट्रेस हूं। नहीं नहीं, एमन अच्छी एक्ट्रेस है, एमन बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। मुझे लगता है हर एक्टर की अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, हां परफॉर्मेंस होती है, वो अपने कवर, बड़ा कवर किया है, बड़ा कवर किया है, बेगम ने बड़ा कवर कर लिया भाई, शौहर की बात है ना, ऐसे ही होना चाहिए, कवर करना चाहिए। नहीं नहीं, मतलब इंसान की अपनी पर्सनालिटी, अपनी एक्टिंग की तरह, हर कोई अपनी तरह एक्ट करता है यार, पहली बात हमने सुन ली, लगेगी वही नहीं, एमन ज्यादा अच्छी एक्ट्रेस, लड़की हूँ ना मैं यार, मैं रो धो के कर लेती हूँ एक्टिंग, लड़की बैठी होती है इसको, बंदे दौर में आप कितना रोए बताएं। नहीं, इसमें ज़ेनी तौर पे रो रहा था मैं। मतलब जैसे लड़कियां रोती है ना, हाउलिंग इन द ड्रामा, दैट डजंट हैपन। या ठीक है जी, मैं अक्सर मिनाल को बोलती हूँ कि मुनीब पे नजर रखना। नहीं बिल्कुल भी नहीं, नो जरूरत ही नहीं पड़ती उसको, क्या इमेज बिल्ड देंगे, क्या शरीफ आदमी है यार, मैं तो इंप्रेस, मैं भी तो हूं बराबर में बैठी हुई, ऑफ कोर्स, लेकिन मैं तो इंप्रेस हो गया हूं यार। घर में इंसान की, घर में इज्जत होनी बहुत जरूरी है, घर में बड़ी अच्छी बात है, दिस इज ब्रिलियंट यार, दैट्स द वे इट शुड बी। और आपको एक और बात बताऊं, यूजुअली जो है वो घरों के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है ना, उसमें ज्यादातर जो है वो हस्बैंड्स के इश्यूज होते हैं पीछे। अब आप लेट आ रहे हो, टाइम नहीं दे रहे, तो ऑब्वियसली यार टाइम नहीं दे रहे, बता नहीं रहे, बीवी बैठी हुई है, वो आपके इंतजार में बैठी हुई है यार, अगर आप उसको, उसका ख्याल नहीं रखोगे तो आप नहीं रखोगे तो कौन? तालियों वाली बात कर दी मनी में, तालियों वाली बात, इसमें तालियां बजनी चाहिए। ठीक है एबन, मुनीब क्या चूज करेगा, दौलत या शोहरत? उधर क्यों देख रही हो? अच्छा, दौलत यार, शोहरत
दौलत ये चीजें कंपैरिजन नहीं है इनका कोई आपस में. मैं दे दूं उसका जवाब. दो दौलत दौलत कभी भी चूज नहीं करूंगा मैं कभी. मैंने यही जवाब दिया है लेकिन मुनीम अपने वर्डिंग्स में कहना चाहते हैं. इसको थोड़ा एलैबोरेट करो ना, लोग गलत ना समझ ले के पता नहीं रहा. यार तुमने एबन क्या बोला यार, इतना कंफ्यूज क्यों थी तुम, जानती क्यों नहीं हो मुनीम को? नहीं मैंने ये जवाब दिया है. इस पॉइंट पे बहुत सारे लोग आपके पीछे क्या, वो हीरो है वो बोलेगा मैं दौलत कभी चूज नहीं करूंगा. चलो मुनीम इस बात का भी जवाब तुम दो, दौलत कभी भी नहीं. तोड़िए जोड़िए. आप जिस चीज के पीछे भागते हैं ना वो चीज आपसे दूर भाग रही होती है. जी आप अपना वॉलेट और फोन रखें और आप दूर भागे. पीछे से कोई वॉलेट और फोन लेके भाग जाएगा. आप उससे दूर भागेगी वो आपके पीछे भागेगी. अच्छा एमन से सवाल है मुनीब को, किस एक्ट्रेस के साथ आजकल की किस एक्ट्रेस के साथ रोमांटिक सीन करने में मजा आएगा? मजा आया या आया या आएगा, ये सवाल तो मैंने पूछा नहीं, आज तुम खुद बता दो यार. I think comfortable actress होनी चाहिए मुझे सामने. सबसे ज़्यादा अगर मैंने enjoy किया ना किसी के साथ काम, वैसे तो सबके साथ किया है. रमशा के साथ मैंने बहुत enjoy किया काम. रमशा, मोमल, आयजा जी और किसके साथ मैंने किया था रबी? रब आपके साथ भी किया है. कोई एक नाम नहीं लिया इसने, तीन चार ले लिए ताकि एक स्पेसिफिक ना हो जाए, है ना? देख रहा हूँ मैं सब नोटिस. लेकिन रमशा के साथ मैंने सब नोटिस कर रहा हूँ, मैं नोटिस कर रहा हूँ. इसमें से अगर एक नाम अगर मैं चूज करूँ तो रमशा के साथ मैंने बहुत एंजॉय किया था काम. ओके व्हाई नॉट, रमशा इज अ वंडरफुल कॉलीग, उसके साथ काम करने का बड़ा मजा मुझे भी आया. अच्छा जनाब ये ऐसा सेगमेंट गुजरा है कि किसी ने किसी को करंट लगाया ही नहीं. ये दोनों मियां भी सोच के आए थे कि करंट ही लगाएंगे भाई कुछ भी, करंट लगाने वाला सवाल ही नहीं आया करंट लगाने. सच सच बोल दिया जनाब. एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान.